स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में। आज हम लोग जानेंगे कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारी क्या होती है और इसको हम लोग डिराइव भी करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। ये आपका बीएससी सेकेंडरी फिजिक्स के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है और केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर में आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट पेपर में आपका पूछा जाता है केमिस्ट्री में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है। अगर आपका थ्योरेटिकल पोर्शन होता है तो इस प्रूफ की आने की जो संभावना है वो 100% हो जाती है कि आपका प्रूफ एग्जाम में आएगा। तो देखेंगे इसको, आज हम लोग जानेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में, बस आप लोग वीडियो अंत तक देखते रहिएगा। तो शुरू करते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है आपकी, आप एक वैज्ञानिक थे डी ब्रोगली, कौन थे डी ब्रोगली थे। इन्होंने 1926 में एक इक्वेशन डराइव की थी जिसे इन्होंने नाम दिया था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और वो जो इक्वेशन थी वो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, मतलब द्विघात, कौन सी द्विघात अवकलनीय समीकरण थी, सेकेंड डिफरेंशियल ऑर्डर इक्वेशन थी जिसे 1926 में डी ब्रोगली ने दिया था। और उसी इक्वेशन का नाम जो था हम लोगों ने कह दिया था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में आपका एक वेव फंक्शन दिया जाता है जो वेरिएबल एक्स और टी के फॉर्म में होता है। मीन्स जो आपका ये आपका साइन एक वेव फंक्शन है जो आपका वेरिएबल एक्स और टी को सेटिस्फाइड करता है, इसे हम लोग कहते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो पहले हम लोग जनरल फॉर्म देखते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का क्या है, जो कि ड्राइव किया था डी ब्रोगली ने 1926 में। उन्होंने बताया था कि डी टू साई अपान डी एक्स टू प्लस डी टू साई अपान डी वाई टू प्लस डी टू साई अपान डी जेड टू प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी अपान एच स्क्वायर इंटू साई इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन उन्होंने फॉर्म की थी 1926 में। इसी इक्वेशन को हम लोगों ने कहा था डी ब्रोगली, सॉरी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिसको ड्राइव किया है डी ब्रोगली ने। यहाँ पे आपका वेव फंक्शन क्या है, साइन आपका वेव फंक्शन है। तो अब इसी को हम लोग प्रूफ करेंगे। अब शुरू करते हैं हम लोग डेरिवेशन। तो देखते हैं डेरिवेशन हमारा क्या है, बस आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा, आपको पता चलेगा कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कितनी ही सरल है। स्टार्ट करते हैं हम लोग डेरिवेशन, देखते हैं डेरिवेशन हमारा क्या है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इसमें एक पार्टिकल लेंगे जो इसका मास आपका एम होगा, वेलोसिटी वी होगी, उससे वो आपका मूव करेगा और वहां पर एक हम लोग फंक्शन क्रिएट करेंगे, मींस वेव फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि आपका होगा साइन इक्वल टू ए साइन टू पाई अपान लेमडा इंटू एक्स। अब देखिए यहाँ पे जान लेते हैं हमारी सारी चीजें क्या है, वेयर साइन आपका है वेव फंक्शन, वेव फंक्शन है, एक्स आपकी जो है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस है और आपका जो लेमडा है वो है आपका वेव लेंथ। लेमडा आपका क्या है, वेव लेंथ है। और आपका जो ए है ये है मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन, मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन मीन्स क्या कह सकते हैं साइन को हम, वेव फंक्शन तो हम लोग साइन लिख देते हैं, समझ गए हम लोग क्या है। ए आपका मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन है, एक्स आपकी डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस है, लैम्डा आपका वेव लेंथ है। तो ये था एक हमने जो कंसीडर किया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग चाहेंगे क्या, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारी क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएट कर देंगे। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर देते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, डी साइन अपान डी एक्स इक्वल टू ए हमारा कॉन्स्टेंट लिखा रहेगा। अब देखिए ये पूरा फंक्शन एक हमारा साइन एक्स का है, साइन एक्स का डिफरेंशिएट हमारा क्या होता है कॉस एक्स, क्या हो जाएगा कॉस टू पाई एक्स बाई लैम्डा। अब देखिए एक्स के साथ सारी चीजें जुड़ी हुई है, तो जब x का डिफरेंशिएट करेंगे तो x का हमारा क्या हो जाएगा वन हो जाएगा और जो उसके साथ जो सारी चीजें है वो ऐसी एआईडीटी हम लोग लिख देते हैं टू पाई अपान लेमडा। एक बार हमने क्वेश्चन को क्या कर लिया, डिफरेंशिएट। नाउ अगेन डिफरेंशिएट हम लोग करते हैं, नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, फिर भी x के सापेक्ष हम लोग करते हैं। तो डी साई अपान डी एक्स एक बार में हमारा होगा डिफरेंशिएट, दो बार में करेंगे क्या हो जाएगा डी टू साई अपान
डी एक्स टू इक्वल टू, देखिए ए टू पाई बाई लेमडा, इसको अलग कर लेते हैं, टू पाई बाई लेमडा इंटू ए। अब आप देख रहे हैं कि ये वाले फंक्शन क्या बचा, कॉस एक्स। इसको अलग क्योंकि क्योंकि हमारा कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट हम अलग कर रहे हैं, केवल जो हमारा वेरिएबल है उसका डिफरेंशिएट हम लोग कर रहे हैं मल्टीप्लाई में, इसलिए हमने अलग कर लिया। कहीं प्लस में होता तो कॉन्स्टेंट का जो डिफरेंशिएट होता है वो जीरो होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई, इसलिए टू पाई बाई लेमडा और ए हमारा बच गया है। अब कॉस एक्स का हमारा क्या होगा डिफरेंशिएट, माइनस साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, टू पाई एक्स अपान लेमडा, टू पाई एक्स अपान लेमडा। अब फिर एक्स का जो है टू पाई अपान लेमडा का सापेक्ष करेंगे क्या आ जाएगा, टू पाई बाई लेमडा आ जाएगा। आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, देखिए तरह डी टू साइन अपान डी एक्स टू, टू पाई पे क्या हो जाएगा फोर पाई स्क्वायर, लेमडा लेमडा पर क्या हो जाएगा लेमडा स्क्वायर, माइनस लगा हम लोग यहाँ लगा देते हैं, माइनस क्या कर देते हैं। आगे हमारा फंक्शन क्या बचा, ए साइन टू पाई एक्स अपान लेमडा, ए साइन टू पाई एक्स अपान लेमडा। अब आप देख सकते होंगे कि a साइन टू पाई एक्स अपान लेमडा जो है आपकी एक वेव फंक्शन जो आपने कंसीडर किया था उसकी वैल्यू है, तो यहाँ पे हम लोग साइन पुट कर सकते हैं, करते हैं सर, डी टू साइन अपान डी एक्स टू इक्वल टू माइनस फोर पाई स्क्वायर बाई लेमडा स्क्वायर, ए साइन टू पाई बाई एक्स अपान लेमडा की वैल्यू हमारे पास क्या है साइन, हम लोग पुट कर दिए साइन, कहां से आई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हमने क्या की वैल्यू पुट कर दी। अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर टू बना के यहीं पे थोड़ा सा रोकते हैं। आगे देखिए हमें लेमडा जो है यहाँ पे लिखा है, लेमडा जो लिख रखा है इसको हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना, मीन्स हटाना है यहाँ से, तो नाउ हम लोगों ने जाना क्या था श्रोडिंगर के इक्वेशन की डेरिवेटिव थी डी ब्रोगली ने, तो हम लोग सारा फंक्शन इसका डी ब्रोगली वे में ही करेंगे। नाउ डी ब्रोगली इक्वेशन हमारी क्या थी, लेमडा इक्वल टू एच अपान पी पर रखे थे हम लोग, तो एच अपान पी की वैल्यू हमारी क्या होती है एम इंटू बी, आपका जो मोमेंटम होता है वो मास एंड वेलोसिटी के मल्टीपल के इक्वल होता है, तो क्या होगा पी की वैल्यू एम इंटू बी, लेकिन लेमडा स्क्वायर लिखा है यहाँ पे हमारे लेमडा की वैल्यू, अगर हम स्क्वायर कर दे यहाँ पर क्या हो जाएगा लेमडा स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बटे एम स्क्वायर बी स्क्वायर। अब एच लेमडा स्क्वायर की वैल्यू उठाकर हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन टू में पुट कर देंगे, तो चलिए पुट करते हैं थोड़ा सा, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ लेमडा, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ लेमडा इन इक्वेशन सेकंड, पुट करते हैं देखते क्या होता है हमारा, डी टू साई अपॉन डी एक्स टू एच टी लिखा रहेगा, डी टू साई अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू क्या का माइनस फोर पाई स्क्वायर, माइनस फोर पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर, लेमडा स्क्वायर वैल्यू कितने आपके पास एच स्क्वायर बटे एम स्क्वायर बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बटे एम स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू साइन। अब आप देख सकते हैं हमारे नीचे एच स्क्वायर एम बी स्क्वायर लिखा है, तो ये हमारा कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो इक्वेशन क्या फॉर्म होगी डी टू साइन अपॉन डी एच टू इक्वल टू माइनस फोर पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू साइन। इक्वेशन नंबर थर्ड हमारे पास क्या हुई ड्राइव हुई, इतना आप लोग इसी शॉर्ट लीजिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं जरा सा, तो इक्वेशन थ्री हमारे पास आगे डी टू साइन अपॉन डी एच टू माइनस फोर पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू साइन, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें से हमारा जो मास और वेलोसिटी है इसको हम लोग यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, करें कैसे, नाउ जो आपकी टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी जो आपकी होती है वो होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो निकाल लेते हैं E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होती है हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या होगी V। अब देखिए नीचे टू हमारे घर कर देंगे तो टू E इक्वल टू एम बी स्क्वायर प्लस V, आपका प्लस ई लिख रखा इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो टू ई माइनस बी इक्वल टू एम बी स्क्वायर हो गया आपका। अब देखिए ये टू यहाँ पे गया कैसे था, यहाँ पे एक छिपा था आपका तो टू बन जाए टू, यहाँ पे टू भी हो जाएगा, ठीक है थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, वन का इससे मल्टीप्लाई होगा टू से इसका होगा टू भी हो जाएगा, नीचे आपका इधर चला गया, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ से टू आपका कॉमन हो गया, कितना बचा ई माइनस बी इक्वल टू एम बी स्क्वायर, अगर हम तो थोड़ा सा इसको सही करें तो एम बी स्क्वायर इक्वल टू टू ई माइनस बी। अब देखिए एम
स्क्वायर बी स्क्वायर है और यहाँ पे हमारा एम है, अगर हम एम से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो क्या हो जाएगा हमारा एम एम स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा टू एम ई माइनस वी, टू एम ई माइनस वी। अब यही वैल्यू जो हमारे पास आई है एम स्क्वायर बी स्क्वायर की, इसी वैल्यू को पुट करते हैं हम लोग क्वेश्चन थर्ड में, देखते हैं हमारी क्वेश्चन क्या फॉर्म होती है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एम स्क्वायर बी स्क्वायर इन इक्वेशन थर्ड, देखते हैं क्या होती है इक्वेशन थर्ड हमारी। वैल्यू रखी डी टू साइन अपॉन डी एस टू इक्वल टू माइनस फोर पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, एम स्क्वायर बी स्क्वायर कितने टू एम ई माइनस वी, टू एम ई माइनस वी, और आपके बाद आगे देखिए क्या है साइन लिख रखा है ना, हाँ देखते हैं साइन इक्वल टू जीरो डी टू साइन अपॉन डी एस टू इक्वल टू, देखिए माइनस लिख रखा है आपका, अगर एक इक्वेशन थोड़ा सा जल्दी कर लें तो माइनस से इक्वल कितना आएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, चार दूनी आपका आठ हो जाएगा, ये आपका पाई स्क्वायर नीचे एच स्क्वायर क्या बचा आपका एम ई माइनस वी इंटू साइन इक्वल टू जीरो। ये जो आपके सामने आई है इसी को हम लोग बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर वन डायमेंशन, इट इज नोन एज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर वन डायमेंशन, कैसी है वन डायमेंशन, ठीक है मैंने बोल दिया आप लोग लिख सकते हैं अच्छे से, क्या है ये वन डायमेंशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होगी, लेकिन हम लोग क्या करते देखते हैं थ्री डायमेंशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारी क्या होगी। अगर थ्री डायमेंशन की बात करें तो हमारा जो फंक्शन एक्स में है यही फंक्शन हमारा जो है कन्वर्ट हो जाता है एक्स वाई जेड में, इसी को हम लोग कहते हैं थ्री डायमेंशन, कौन सा थ्री डायमेंशन। तो हम लोग बढ़ाते हैं नाउ थ्री डायमेंशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो हमारी डिराइव होगी क्या हो जाएगी डी टू साई अपॉन डी एक्स टू है आपकी डी टू साई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी टू साई अपॉन डी वाई टू प्लस डी टू साई अपॉन डी जेड टू प्लस, देखिए क्या है ये केवल फंक्शन हमारा एक्स का था वन डायमेंशन, हमने इसको तीन में क्या करके आगे बढ़ा दिया, बाकी हमारी जो ये चीजें वो ऐसी ऐसी आ जाएगी एट पाई स्क्वायर एच स्क्वायर एम e माइनस वी इंटू साइन इक्वल टू जीरो। इसे ही हम लोग कहते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जिसे डी ब्रोगली ने 1926 में ड्राइव किया था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम लोग ऐसे ही प्रूफ और देखेंगे बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही समझने में आसान आपको लगा होगा क्या था केवल एक फंक्शन हमने कंसीडर किया था जो कि a साइन इक्वल टू a साइन टू बाई एक्स अपान लेमडा था, बाकी हमने जैसा आपको पता था डी ब्रोगली ने कहा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है डिफरेंशियल, तो उसी इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट किया जिससे हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अंदर देखिए और कोई भी आपको अगर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका सोल्यूशन आपको तुरंत मिलेगा, रिस्पॉन्स हम आपको उसका प्रेजेंट कर देंगे, ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।